भैया इस रक्षाबंधन पे आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? सोच रहा हूँ एक प्यारा सा पेट गिफ्ट कर दूँ। वाओ सच्ची? हाँ, बट फिर याद आया अपने पास तो ऑलरेडी पेट है, तो और एक पेट की क्या जरूरत? पर हमारे पास तो कोई पेट नहीं है। है ना? कहाँ है? तू है ना एक जंगली जानवर। भैया एक एक कॉल आ रहा है, सुन ऑफिस से थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है, तू वेट कर मैं 2 मिनट में आया। ठीक है। हाँ बेबी। चलना भाई, करते ना कुछ तो प्लान अलग। अरे यार छोड़ यार, लास्ट टाइम भी तू मेरे को बोला और छोड़ दिया। भाई वो छोड़, ये देख। कौन हो तुम लोग? जान पहचान तो होती रहेगी, इतनी जल्दी भी क्या है मैडम। भैया भाई लोग क्या बदतमीजी चल रही है? ओ भैया, भैया को गुस्सा आया। प्रॉब्लम क्या है तुम लोग की? प्रॉब्लम ये है कि तेरी बहन बहुत हॉट है और हम सबका उस पर भी दिल आ गया है। बहन चल यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। भैया इन लोगों ने आपके बहन को छेड़ा और आप कुछ नहीं करोगे? क्या करेगा ये? मारेगा। आ मार मार मार। बहन तू चल यहाँ से। ए आना, डर गया क्या फट्टू? अरे ओए लड़की, जरा संभल के लेके जाना तेरे फट्टू भाई को। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कल रक्षाबंधन है, राखी के साथ साथ जरा चूड़िया भी लेके जाना तेरे भाई को, काम आ जाएगी। आपने उन लड़कों को कुछ बोला कि नहीं भैया? क्यों आप चुपचाप सुनते रहे? मुझे आप पे शर्म आती है भैया। अरे देवी सुन तो। अरे मैं कॉलेज तक छोड़ता हूँ ना। नहीं मैं चली जाऊंगी। भैया इन लोगों ने आपके बहन को छेड़ा और आप कुछ नहीं करोगे? क्या करेगा ये? मारेगा। राखी के साथ साथ जरा चूड़िया भी लेके जाना तेरे भाई को, मुझे आप पे शर्म आती है भैया। क्या गलत कहा मेरी बहन ने? सही तो कह रही थी वो, उसे मुझ पे शर्म आती है, आनी भी चाहिए। मैं एक ऐसा भाई हूं जो अपनी ही बहन की रक्षा नहीं कर पाया, कुछ तो करना होगा जिससे अगली बार कोई प्रॉब्लम आए तो मैं मेरी बहन की रक्षा कर सकूं। सर कराटे क्लास में एडमिशन लेना था। अच्छा सदा। ये फॉर्म भरो, कल से क्लास में आ जाओ। ठीक है सर, कल मिलते हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। नहीं रे, वही तो बोल रहे तेरे को, वो देख उस दिन के आइटम। क्या रे आइटम, आज तेरा फट्टू भाई नहीं आया लगता तेरे साथ में। हेलो भैया। भैया को फोन कर रही है, तुझे क्या लगता है तुझे बच्चे ने तेरा फट्टू भाई आएगा? आएगा नहीं, आ गया।
बहन तू ठीक तो है ना? क्या रे, आज तेरे आंखों में डर नहीं दिखाई दे रहा? ये देख फट्टू फिर से भाग रहा है। अगर आज किसी ने भी मेरी बहन को टच भी किया ना तो देखना। तुम्हें क्या लगा मैंने मारा? ना मुन्ना ना, ये शेरनी का वार है। It's not what it looks like. अभी भी कल की बात को लेकर बैठे हो? थोड़ा स्माइल करो और ये बताओ मेरा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ये ले। ये क्या है? कराटे क्लास में एडमिशन लेना था। ये फॉर्म भरो, कल से क्लास में आ जाओ। सर एडमिशन मेरे बहन को करवाना था। चलेगा, कल से सिस्टर को भेजो। मैंने तेरा एडमिशन कराटे क्लास में किया है तो कल से तुझे कराटे क्लास में जाना होगा। पर वो किस लिए? तुझे पता है बहना, अगर मैं चाहता ना तो कल उन लड़कों को जवाब दे सकता था, लेकिन लाइफ में कुछ लड़ाई है ना तुझे खुद से लड़नी होगी, क्योंकि हर वक्त तेरा ये भाई तेरे साथ नहीं हो सकता। तो कल से तुझे ये क्लास में जाना होगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। को अपने सोच सबकी छोटी है, बुद्धियां सबकी मोटी है, नियत सबकी खोटी है, ड्रेस किसकी कितनी छोटी है, कैरेक्टर यहां डिसाइड होता कपड़ों की लंबाई से, लड़कियों को बचना पड़ता है लड़कों की अंगाई से, मर्दानगी दिखाने को रोज निकलते लड़कियों की खोज में, इतना ही खून गरम है तो भर्ती हो जा फौज में, दोस्तों के साथ चले तो देखे हर लड़की को मुड़के, पर जब निकले बहन के साथ देखे हर लड़के को मुड़के, ऐसा क्यों, खुद की और दूसरे की बहन में फर्क क्यों, खुद की बहन दीदी और दूसरे की बहन माल क्यों, बेटी बचाओ के बैनर यहाँ पे लगते हटते हैं, उसी के नीचे अगले दिन किसी और के कपड़े फटते हैं।
क्या हुआ, निकल गई सारी मर्दानगी? असली मर्द ना लड़की को छेड़ता नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करता है। और हाँ, तेरी भी कोई बहन होगी ना तो उसे सेल्फ डिफेंस सिखा दे, क्योंकि तुम जैसे कमीने इस दुनिया में और भी है। राम ना बनावेगा रे घोसला, जे चिड़िया दुनिया तक होगी रे, बाण तेरी भी तो होगी रे।